जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों रात के बजने जा रहे हैं 12, लेकिन खुशखबरी आप लोगों के लिए ऐसी है जो कि आपको देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल जस्ट 1 घंटा पहले भी इंटरव्यू हुआ है, उसमें एक बोल सकते हैं भर्ती बोर्ड के सदस्य हैं जो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि 51,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, 9500 SI, 2500 आपके रेडियो के संबंधित, और भी कई सारे पद उन्होंने बताए हैं कि ये भर्ती 3 महीने के अंदर अंदर ये निकाल देंगे और इसका एग्जाम भी बहुत जल्द होगा। यानी कि और बात ये तक कह रहे हैं कि दिसंबर तक आपको ट्रेनिंग पे भी भेजेंगे। तो देखो बहुत सी बातें हैं, लेकिन इतना तो मान के चलो कि भैया कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए खुशखबरी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, और खुशखबरी ऐसी नहीं डबल मिलने वाली है। ये तो चीज हो सकता है, देखो वैकेंसी बढ़ के आए, 35,000 37,000 सुनते सुनते बोर हो गए ना, सीधे 51,000 भर्ती बता रहे हैं। SI के भी जो अब तक सुन रहे थे 3,000 पद या 829 पद, सीधे 9,500 पद बता रहे हैं। जी हाँ, संभव तो सब कुछ है, असंभव तो यूपी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पद तो काफ़ी खाली पड़े रहते हैं। पद तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की काफ़ी खाली पड़े हैं ना, 51,000 वैकेंसी है फिर भी कब पद खाली रह जाएंगे। तो भैया बड़ी खुशखबरी वाली बात है आप लोगों के लिए, तैयारी पे लग जाओ। इसीलिए चीख चीख के कहते रहते हैं आप लोग, तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो, तैयारी करते रहो भाई। अब भी अगर नहीं कर रहे हो तैयारी ना, रात के जागो अब 2-3 बजे तक, लेकिन पढ़ाई करो, क्योंकि ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा नहीं। उधर ऑनलाइन हुआ और उधर आपका एग्जाम हो जाएगा, 6-6 महीने 7-7 नहीं मिलने वाले नहीं आप लोगों के लिए, भूल जाओ, 6-7 महीने मिलेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ही कम समय मिलेगा। दरोगा का भी सपना पूरा होगा, अगर ये बात कहीं ना कहीं पूरी 100% सच बैठती है तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिलने वाली है, ठीक है ना। फिर तो भैया जान ही रहे हो, है ना। फिलहाल अच्छी न्यूज है बहुत सभी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं खुश करने वाली न्यूज है, और ये ऑथेंटिक एक इंटरव्यू है, ठीक है ना। ये एक न्यूज चैनल है जिसने न्यूज शायद न्यूज हाउस है कुछ इस तरह से, नेशनल न्यूज, उसने इंटरव्यू लिया है, यूपी बोर्ड के सदस्य हैं, तो टेंशन ना लो। एक अगर यूपी बोर्ड का कोई सदस्य है इस तरह से इंटरव्यू देता है तो वो गलत सलत नहीं बोल सकता है, ठीक है ना। जिम्मेदारी वाला पद है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात बताई है। और सीधा बताया भी है कि मुख्यमंत्री साहब का ही आदेश है, 51,000 पुलिस कांस्टेबल और 9500 SI, बाकी के आपके और सारे पद भी उन्होंने बताए, कुशल खिलाड़ी और रेडियो संवर्ग शाखा से भी बताए हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आशा करता हूँ सभी लोगों के लिए वीडियो पसंद है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, जो भर्ती पाना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। पहली बार कह रहा हूँ वीडियो शेयर करने के लिए, आज तो शायद नहीं बोला होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी दिन का हम भी इंतजार कर रहे थे, है ना। सॉन्ग भी है कि कब से हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, है ना। घड़ी तो आएगी, मैं पहले भी कहता था घड़ी तो आएगी, बहुत जल्द आएगी, आप लोग तैयारी करते रहो, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा टाइम है भी नहीं, 3-4 महीने ही है। मैं अभी पिछली वीडियो में बोला हूँ कि 4 महीने का समय है, 1-2 महीने हो सकता है रिवीजन का आपका मिल जाए, लेकिन ये तो ऐसे कह रहे हैं भैया दिसंबर तक आपको ट्रेनिंग में भेज देंगे, तो सोचो यानी कि बहुत कम समय देंगे। तो फिर भी आपको अभी से ही तैयारी कर जाओ, तब भी आपके पास 3-4 महीने आपको एग्जाम के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि 1 महीना आवेदन चलेगा जब भी वैकेंसी आएगी, तो अभी टाइम है फिलहाल, एकदम कुछ नहीं सोचो जाते हैं ना, तो मौका है अभी, बहुत अच्छा मौका है, आप लोग तैयारी करो। ऑल द वेट सभी के लिए, कल इस पर चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे, आपको वो इंटरव्यू भी दिखाएंगे, कल मिलते हैं 10:00 बजे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।